जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे ने दो रूटों पर नियमित ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो दो रूटों पर भारतीय रेलवे इस नियमित ट्रेन का संचालन करने जा रही है, जो कि आपको लगातार इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का तो संचालन लगातार कर रही है, जो कि आपको तत्काल के लिए भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन करती है और कभी भी इन ट्रेनों भारतीय रेलवे बंद भी कर सकती है। लेकिन नियमित ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे बहुत ही कम करती है। लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा ऑथराइज रिपोर्ट निकलकर सामने आ गया है कि किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का संचालन करने जा रही है। तो आज मैं आपको दो रूटों के बारे में बताने वाला हूं जिस पर भारतीय रेलवे नियमित ट्रेन संचालन रूट पर भारतीय रेलवे ऑलरेडी संचालन ट्रेन का शुरू कर दी है। मैं आपको दूसरे रूट के भी बारे में बताने वाला हूं कि दूसरा कौन ऐसा रूट है जिस पर भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। ये भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन आते ही भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों की तो हर रूट पर झड़ियां लगा देती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में सबसे बड़ी कमी ये होती है, ये ट्रेनें ज्यादातर लेट लतीफ चलती है और भारतीय रेलवे इसको कुछ समय के लिए इस ट्रेनों का परिचालन करती है और कुछ दिन चलाने के बाद जब पैसेंजर नहीं मिलते हैं तो इसको भारतीय रेलवे बंद कर देती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे नियमित ट्रेनों का भी संचालन करती रहती है। जिन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे लगातार करती रहती है, जिससे लोगों को आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किन दो रूटों पर भारतीय रेलवे नियमित ट्रेन का संचालन करने जा रही है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा पहला रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि दिल्ली और गोड्डा के बीच भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, जो कि सेंट्रल रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली और गोड्डा के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसका ट्रेन नंबर हो जाएगा 1450 और 1449, जो कि दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस के नाम से इसे भारतीय रेलवे ने मंजूरी दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निर्देशक विवेक कुमार सिंह ने नई दिल्ली, कानपुर, हाजीपुर और कोलकाता के महाप्रबंधक को पत्र भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, नई दिल्ली भाया देवघर न्यू गिरिडीह नई ट्रेन का शुभारंभ 9 अक्टूबर से भारतीय रेलवे ने तय किया। दिल्ली में रेल भवन से गोड्डा सांसद निशांत दुबे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने गोड्डा नई दिल्ली भाया देवघर न्यू गिरिडीह साप्ताहिक ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी है। रेलवे को समय सारणी के अनुसार गोड्डा स्टेशन से बुधवार को सुबह 10 बजे ये ट्रेन हंसडीहा, ककनी, देवघर, जसीडीह, मधुपुर, न्यू गिरिडीह, जमुई, कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर, कुंडला होते हुए दूसरे दिन सुबह 9:10 पर आपको दिल्ली ले जाकर छोड़ेगी। जसीडीह में दोपहर 12 बजे, मधुपुर में 12:45 पर न्यू गिरिडीह स्टेशन में इस ट्रेन का पहुंचने का समय हो जाएगा 1:40। सोमवार को ये ट्रेन आपको ले जाकर दोपहर 3 बजे दिल्ली छोड़ेगी। दिल्ली से दोपहर 3 बजे यह ट्रेन खुलेगी और दोपहर 1:10 पर जसीडीह, 3:45 पर गोड्डा पहुंचेगी। गोड्डा से खुलने वाली यह ट्रेन 14वीं ट्रेन होगी, जबकि दिल्ली के लिए गोड्डा से खुलने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी। गोड्डा से दिल्ली के ट्रेन का शुभारंभ होने से जसीडीह से गिरिडीह के लिए पहली सीधी ट्रेन मिल जाएगी। जसीडीह से गिरिडीह के लिए अभी तक कोई भी सीधी ट्रेन नहीं थी। रेलवे के अनुसार गिरिडीह में 150 वर्ष पहले रेल सेवा चालू हुई थी। अब गोड्डा से दिल्ली भाया गिरिडीह नई ट्रेन का शुभारंभ होने से पहली बार गिरिडीह से देश की राजधानी के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो दोस्तों, स्पेशल ट्रेन में और नियमित ट्रेनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि भारतीय रेलवे, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कम दिनों के लिए करती है, लेकिन नियमित ट्रेनों का संचालन आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे गोड्डा और दिल्ली के बीच कर रही है, लेकिन ये भी ट्रेन भारतीय रेलवे साप्ताहिक के रूप में ही चलाने वाली है। ये साप्ताहिक ट्रेन होने वाली है, लेकिन बहुत दिनों से डिमांड था कि इस रूट पर भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करे, लेकिन बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन भारतीय रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन सेवा नहीं दे रही थी। लेकिन फिलहाल ये 9 तारीख से इस पर भारतीय रेलवे ने ट्रेन शुरू कर दी है, जिसमें लोग अपना सफर को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको
दूसरी ट्रेन के बारे में बता देता हूँ कि दूसरी ट्रेन भारतीय रेलवे किस रूट पर चला रही है। तो दूसरी ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे ने शुरू की है राधिकापुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए। भी भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन इनोग्रेशन तो भारतीय रेलवे ने कर दी है, लेकिन इसका कमर्शियल रन आपको 6 तारीख से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के राधिकापुर रेलवे स्टेशन से बुधवार को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक स्पेशल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। राधिकापुर स्टेशन से यह ट्रेन दोपहर 12:45 पर खुली थी। मुजफ्फरपुर से बापूधाम मोतिहारी होते हुए बेतिया नरकटियागंज कप्तानगंज के रास्ते सुबह 4:55 पर गोरखपुर से आनंद विहार के लिए रवाना होगी। मुरादाबाद के रास्ते यह ट्रेन रात में 8:50 पर आपको आनंद विहार टर्मिनल ले जाकर छोड़ देगी। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस गाड़ी में SLRD के 1, साधारण द्वितीय श्रेणी के 3, शयनयान श्रेणी के 8, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 6, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2 और प्रथम यानी कि AC फर्स्ट क्लास के 1 कोच और 1 जनरेटर कार और लगेज यान के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे 22 कोच के साथ करने वाली। भारतीय रेलवे ने इन दो रूटों पर नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू की है, जो कि आपको एक राधिकापुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए जिस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है उसका कमर्शियल रन आपको 6 तारीख से इधर से आपको राधिकापुर से देखने को मिलेंगे और 8 तारीख से आपको आनंद विहार टर्मिनल से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में ये ट्रेन LHB रैक के साथ चलने वाली है। और दूसरी ट्रेन जो गोड्डा और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे सेवा शुरू कर रही है नियमित ट्रेन का, इसका भी संचालन आपको 9 तारीख से यानी कि इसी महीने के 9 तारीख से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इन दोनों ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे नियमित ट्रेन के रूप में करने वाली है और दोनों ट्रेनें साप्ताहिक ट्रेन होने वाली है, जो कि साप्ताहिक ट्रेन के नाम से आप इसे बोल सकते हैं। आगे चलकर भारतीय रेलवे इसके पैसेंजर कैपेसिटी को देखते हुए कर सकती है, लेकिन अभी पैसेंजर कैपेसिटी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इसे साप्ताहिक के रूप में चलाने का फैसला किया। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इस रूट पर दो नए रूटों पर नियमित ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नए नियमित ट्रेनों का संचालन करने चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।